हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को माय डिश टीवी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप कभी भी अपना पैक चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या आपको जो चैनल पसंद है खाली वही चैनल ले के वही देख सकते हो। मतलब बाकी दूसरे चैनल का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अभी यहाँ पर माय डिश टीवी ऐप डाउनलोड किया है और इसको इंस्टॉल करके लिया है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं अभी ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसको ओपन किया है मैंने। इसमें पहले ही मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नंबर था, वही डाल के इसमें लिंक कर दिया है। इसमें मेरा नाम भी आया है, वीसी नंबर भी आया है और रिचार्ज भी आया है। कितना रिचार्ज किया है मैंने, उसके अमाउंट आई है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, इसमें ऑप्शन है बहुत सारे, होम रिचार्ज, रिमोट गाइड और एडिट पैक। तो इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये होम के बारे में तो वही है सेम, इसमें इंफॉर्मेशन खाली नीचे दिया है फिल्म का नाम है। तो अभी मैं आपको रिचार्ज के बारे में बताता हूँ। तो देखिए आप रिचार्ज में रिसेंट पेमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए रिचार्ज में यहाँ पे हमें ऑफ़र भी बताया, यहाँ से आप डायरेक्टली रिचार्ज भी कर सकते हो आपके क्रेडिट कार्ड से या पेटीएम से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सब रिचार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें कितने का रिचार्ज करने के बाद कितना दिन फ्री मिलेगा, क्या कैशबैक है, वही सब कुछ दिया है इसमें। तो चलिए अभी मैं रिसेंट पेमेंट भी दिखाता हूँ, जो हमने पेमेंट किया था, कितने बार किया है, कितने तारीख को किया है, ये भी इसमें दिखाया है। स्टेटमेंट में अगर हमें स्टेटमेंट चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो मंथ डाल के, ईयर डाल के, कोई भी ईयर रहेगा उसकी स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको रिमोट के बारे में बताता हूँ। ये देखिए रिमोट, जो आपका अगर टीवी का, डिश टीवी का रिमोट अगर ख़राब हुआ होगा तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट ऑन करके। तो देखिए इसमें सब नंबर विंबर की दिया है, ऑन ऑफ का बटन भी है ऊपर, देखिए इसमें ऑन ऑफ का बटन है। तो अभी मैं नो कर देता हूँ, मतलब ऑन ऑफ का है। तो अभी गाइडेंस में दिखाता है गाइड इसका, जो कब फिल्म लगेगा, क्या है पिक्चर, कभी है सीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दिया है हमें, कितनी बजे लगेगी, क्या है, तो हम इस ऐप से पता कर सकते हैं। तो चलिए अभी पैक एडिट पे आते हैं। तो पैक एडिट पे आने के बाद देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे मैंने मेरा जो पैक है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने अभी देखिए मेरे पैक में खाली जितने चैनल है उतने ही दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने जो पैक सेलेक्ट किया है, अभी यहाँ से हम डिलीट करके भी ही वो चैनल कट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, मेरा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो ये हो रहा है। तो चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। और अभी आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे भी जो हमने चैनल सेलेक्ट किए वही दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट में। तो इनको यहाँ से भी हम अनसेलेक्ट करके इसको हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने जो चैनल लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए अभी नीचे भी आप देख सकते हो, आपके मर्ज़ी का जो भी चैनल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे कितने भी रुपए का रहेगा, ये बैलेंस आपका जो रिचार्ज है उसमें कट हो जाएगा। मतलब आपका रिचार्ज एक महीने में ख़त्म हो रहा होगा तो उसमें से कुछ दिन कम करके वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, आपके मनपसंद का जो भी चैनल हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दो चैनल सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए सब चैनल है इसमें, स्टार स्पोर्ट के भी है सब यहाँ पे दिखाए। तो अब यहाँ पे मैं एक चैनल सिलेक्ट करने वाला हूँ अभी। तो देखिए अभी ये मैं सोनी है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। और अभी नीचे आके और एक चैनल सिलेक्ट करूँगा मैं, जी का। तो देखिए, तो देखिए अभी हम नीचे आए, तो यहाँ पे अभी थोड़ा और ऊपर आना पड़ेगा। देखिए अभी मैं एक जी का चैनल ये सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हमें डायरेक्टली ये नीचे टोटल चैनल दिखाया है, लेबल है, इसको ओपन करना है, उसके क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसका डिटेल है, सब कुछ आया है, हमने कितने चैनल लिए हैं, क्या है। देखिए ऊपर में भी चैनल्स लिखा है, 6 चैनल्स हमने लिए है, वो बता रहा है कितना पैक हो रहा है उसका, कितना कट रहा है, सब कुछ आया है यहाँ पे।
देखिए मैंने जो चैनल सेलेक्ट किए थे यहाँ पे नीचे आए, तो यही था। अभी हमें यहाँ पे इसको भी कट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अभी, अगर नहीं चाहिए होगा तो, या ले भी सकते हैं। तो चलिए अभी इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, देखिए नीचे हमें प्रोसेड है, प्रोसेड पे क्लिक करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे पेड चैनल काउंट का आया है, कितने चैनल हमने लिया है वो आया है, पेड चैनल प्राइस का आया है, और ये एप्लीकेशन NCF है, ये मतलब जो हमारा पैक रहता है उसमें आप कोई भी पैक सेलेक्ट करो 130 रुपये महीने का कटता ही है। तो और इसमें GST भी बताया है, और जो बाकी का फ्री है वो तो आया है, वो फ्री है, उसका बैलेंस 0 दिखा रहा है यहाँ पे। तो टोटल 205 का हमारा रिचार्ज अभी हो रहा है। तो इसको हमें अभी खाली यहाँ से सिंपली सबमिट करना है। तो चलिए हमने अभी सबमिट किया है यहाँ पे। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट। अभी हमारे जो रिक्वेस्ट डाली थी वो अभी एक्सेप्ट हो गई वहाँ से, और यहाँ पे हमारा योर टोकन नंबर भी आया है, जो भी रहेगा वो, मतलब अगर हमारा पैक नहीं होएगा तो उनको कॉल करके आप टोकन नंबर भी बता सकते हो। तो ये था माय डिश टीवी ऐप का फीचर सब। तो आप भी अपना पैक, अगर आपके पास डिश टीवी होगी तो आप भी ऐसे एडिट कर सकते हो अपना पैक। तो देखिए ये ऐप बहुत ही अच्छा है, आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो चैनल नहीं देखते उसका पैसा देने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो ये था इन्फॉर्मेशन माय डिश टीवी ऐप के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए।